الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الوجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना और दिल की गहराइयों से हुजूर रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम की जात अथर पर दुरूद पाक पढ़ लेने के बाद बिरादरन इस्लाम दुआ है अल्लाह करीम से कि अल्लाह करीम हम तमाम मुसलमानों के गुनाहों को माफ फरमाए और हम तमाम मुसलमानों को दीन मुबीन का नूर कामिल अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रबीउल अव्वल शरीफ की शबनमी बहार बदामा साते जारी व सारी है कि जिससे हम सारे मुसलमान महजूज हो रहे। पूरा मुल्क पाकिस्तान
बरकी कुमकुमों से जगमगा रहा है और गोया के मुल्क के पाकिस्तान ये बता रहा है कि पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ या रसूल अल्लाह कहने वालों का मुल्क है। वो लोग, वो कुव्वतें के जो हमें खत्म करना चाहती थीं, अल्हम्दुलिल्लाह अब वो सारी कुव्वतें अपनी आखिरी सांसें ले रही हैं और इंशाअल्लाह ताला सारी बातिल कुव्वतें खत्म हो जाएंगी और हमारा मुल्क अमन का इस्तेहकाम का गहवारा बन जाएगा। मैंने कुरान मजीद व फुरकान हमीद की एक बहुत ही मशहूर और मारूफ आयत मुकद्दसा आपकी खिदमत में तिलावत की है। इरशाद बारी ताला हुआ कुल, अल्लाह तबारक व ताला अपने महबूब को हुक्म देते हुए इरशाद फरमा रहा है कि ऐ महबूब, आप लोगों से फरमा दीजिए, इन कुम तुम तो हिब्बून अल्लाह, ऐ लोगों अगर तुम अल्लाह को दोस्त रखते हो, अल्लाह से मोहब्बत करते हो, फत्तबीउनी, महबूब इनसे कह दे ये तुझ से मोहब्बत करें, ये तुझ से प्यार करें, ये तेरी इत्तेबा करें, ये तेरी फरमा बरदारी करें, युहबिबकुम अल्लाह, ऐ हबीब जब लोग तुझसे मोहब्बत करने लग जाएंगे, तेरी इत्तेबा, तेरी फरमा बरदारी और तुझसे प्यार करने लग जाएंगे, युहबिबकुमुल्लाह, हबीब उनसे कह दे कि अल्लाह भी उनसे मोहब्बत फरमाएगा, व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, और इस मोहब्बत रसूल का इनाम ये देगा कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों के सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा, वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह तबारक व ताला बख्शने वाला और मेहरबान है। ब्रदरन मिल्लत, इस आयत मुकद्दसा को समझने के लिए इससे मां कबल की आयतों का समझना बहुत जरूरी है। सूरह आले इमरान की ये आयत नंबर 31 है, इससे पहले की आयत नंबर 30, आयत नंबर 29, आयत नंबर 28 और 27, इन सारी आयतों का समझना बहुत जरूरी है। अगर आप उन आयतों को समझ जाएंगे, उन आयतों के माना और मफाहिम को समझ जाएंगे, तो यकीनन ये आयत मुकद्दसा सही मानों में आपके दिलो दिमाग में बैठ जाएगी। किसी के जहन में ये सवाल हो कि शाह साहब क्यों जरूरी है इससे मां कबल की आयतों का समझना, तो याद रखिए कि जरूरी इसलिए है कि इस आयत मुकद्दसा का पिछली आयतों के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। तो जब तक उसको नहीं समझा जाएगा, उस ताल्लुक को, ये आयत मुकद्दसा सही मानों में समझ में नहीं आएगी। मैं थोड़ा सा आपको समझाऊं कि गुज़िश्ता आयतों के साथ इसका ताल्लुक क्या है। पहला ताल्लुक यह है कि गुज़िश्ता आयतों में कुफार से मोहब्बत, मुशरिकीन से मोहब्बत, बद मजहबों से मोहब्बत, इससे बिल्कुल मुसलमानों को अलैदगी का हुक्म दिया गया कि काफिरों से अलग हो जाओ, मुशरिकीन से अलग हो जाओ, बद मजहबों से अलग हो जाओ। उन आयतों का अगर आप मुताल्लक करें, काफिरों से अलहदगी इख्तियार कर लो, मुशरिकीन से अलहदगी इख्तियार कर लो, बद मजहबों से अलहदगी इख्तियार कर लो, उन आयतों में कुफार मुशरिकीन मुनाफिकीन से अलहदगी का हुक्म दिया गया और इस आयत मुकद्दसा में अल्लाह तबारक व ताला अपने महबूब की मोहब्बत का हुक्म दे रहा है। तो अहले इल्म फरमाते हैं कि उस आयत मुकद्दसा में परहेज को बयान किया गया और इस आयत मुकद्दसा में इलाज को बयान किया जा रहा है। याद रखो मुसलमानों कि जिस वक्त कोई शख्स बीमार हो जाए और बीमारी उसकी जान न छोड़ती हो और कोई अच्छा तबीब, अच्छा हकीम उसे मिल जाए, वो नफ्स पकड़ के कहता है ठीक है,
बीमारी तुम्हारे जिस्म से चली जाएगी, इंशाअल्लाह ताला सरकार के सदके बीमारी खत्म हो जाएगी। मैं तुम्हें दवाएं दूंगा, माजून दूंगा, दीगर टैबलेट्स दूंगा, लेकिन याद रखो कि तुम मेरी दवाएं खाते रहोगे, दवाएं उस वक्त तक असर नहीं करेंगी जब तक कि तुम परहेज ना करोगे। अब सुन लो, तुम्हें बड़े का गोश्त नहीं खाना, तुमने मछली नहीं खानी, तुमने अंडा नहीं खाना, तुमने गरम कोई चीज भी नहीं खानी। अगर तुम मेरे बताए हुए परहेज पर अमल करोगे तो ये दवाएं तुम्हारी बॉडी पर असर करेंगी और इंशाअल्लाह ताला तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। मरीज कहता है, ठीक है हकीम साहब, आप जैसा फरमाते हैं मैं वैसा ही करूंगा। अब इधर दवाई, इधर अद्वियात भी चल रही हैं, उधर परहेज भी चल रहा है। फिर एक वक्त आता है कि मरीज अब बिल्कुल ठीक ठाक होकर तबीब साहब के सामने खड़ा होता है कि तबीब साहब, अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया, मेरी सारी बीमारी मेरे जिस्म से रुखसत हो गई, लेकिन हां, वो जो मैंने ताकतवर अशिया नहीं खाई, ना खाने की वजह से मेरे वजूद के अंदर, मेरी बॉडी में मैं कमजोरी महसूस कर रहा हूं, मैं नकाहत महसूस कर रहा हूं, चक्कर से मुझे आने लगते हैं, सही तरह से मुझे बैठा नहीं जाता। तबीब कहता है, हकीम कहता है, ये तो अभी ये चीज बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। फिर वो क्या करता है, ताकतवर अद्वियात लिखता है, अब तुम ये खाओगे, ये खाओगे, ये खाओगे, और वाकईतन एक दो हफ्ते में मरीज बिल्कुल भला चंगा हो जाता है, बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब यहां पर गौर करें, मुसलमानों को काफिरों से, मुशरिकों से, मुनाफिकों से जब अलीदगी का हुक्म दिया गया तो शैतान मलून ने मुसलमानों के कुलूब में वसवसे डालने शुरू कर दिए, अरे मुसलमानों ये तुम क्या करने लगे हो, अगर तुम काफिरों से अलग हो गए, अगर तुम मुशरिकों से अलग हो गए, अगर तुम मुनाफिकीन से अलग हो गए, अगर तुम बदमजहबों से अलग हो गए तो तुम तो कमजोर हो जाओगे, तुम तो नहीफ हो जाओगे, ये पूरा माशरा तुम उससे अलग हो जाओगे, अपने पांव पर ठीक तरीके से खड़े भी नहीं रह सकोगे, बहुत कमजोर हो जाओगे। रब ने फरमाया, अरे लोगों सुन लो, ये शैतान का वसवसा है, कमजोर नहीं होगे, नहीफ नहीं होगे, अगर मेरे महबूब की मोहब्बत के दिए अपने कुलूब में रोशन कर लोगे, मैं तुम्हें वो ताकत अता फरमा दूंगा, वो कुव्वत अता फरमा दूंगा कि तुम कैसर और किसरा को रोंगते चले जाओगे। मुसलमानों याद रखो कि दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे उठते हुए कदमों को रोक नहीं सकेगी। फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी, अगर ये चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे, मेरे महबूब से मोहब्बत करनी होगी। अब याद रखो मुसलमानों कि मुसलमानों को कुफार मुशरिकीन और मुनाफिकीन से जो आलैदगी का हुक्म दिया गया, इसकी वजह क्या है, इसकी वजह यह है कि इस दुनिया के अंदर हम ये समझते हैं कि सबसे बड़ी बीमारी कैंसर है, हम ये समझते हैं कि सबसे बड़ी बीमारी हेपेटाइटिस है, हम ये समझते हैं कि सबसे बड़ी बीमारी शुगर है, हम ये समझते हैं कि सबसे बड़ी बीमारी ब्लड प्रेशर है, हम ये समझते हैं कि सबसे बड़ी बीमारी बवासीर है। ये बात जहन में रखो, इस दुनिया में सबसे बड़ी अगर कोई बीमारी है तो वो कुफ्र है, वो शिर्क है, वो मुनाफिकत है। कुरान मजीद व फुरकान हमीद ने एक मुकाम पर फरमाया, फी कुलूबिहिम मरदुन, उनके दिल के अंदर मर्ज है, उनके दिल के अंदर बीमारी है, ये कैंसर, ये हेपेटाइटिस, ये बवासीर, ये शुगर, ये बीमारियां तो ऐसी हैं कि जो बंदे के वजूद को खत्म करती है, और कुफ्र और शिर्क ऐसी बीमारी है कि जो बंदे के ईमान को खत्म करती है। ये बीमारियां तो ऐसी हैं कि जो हमें मां बाप से छुड़ाकर, बीवी बच्चों से छुड़ाकर, बहन भाइयों से छुड़ाकर कब्र की आगोश में ले जाती है, और कुफ्र और शिर्क वो बीमारी है जो हमें हमारे रब से दूर कर देती है, प्यारे मुस्तफा से दूर कर देती है, और बंदे को सीधा जहन्नम के गड़े तक ले जाती है। इसलिए मुसलमानों को आलैदगी का हुक्म दिया गया, और वाकईतन आज लोग इसको मामूली समझते, इस चीज को अहमियत नहीं देते।
रिश्तेदारी के नाम पर, दोस्ती के नाम पर, बिजनेस के नाम पर ऐसे लोगों की रिस्पेक्ट की जाती है, कदर की जाती है। तज़किरतुल मौत वल कुबूर में हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपति रहमतुल्लाह ने फरमाते हैं कि एक शख्स बवक्ते मौत उसको कलमे की तलखीन की जा रही लेकिन उसकी जुबान से कलमा नहीं निकल रहा। थोड़ी देर के बाद होश आया तो पूछा, क्या बात है कि हम तुझे तलखीन कर रहे थे मुसलसल कलमे की लेकिन तेरी जुबान से कलमा नहीं निकल रहा था? वो कहने लगा, मैं क्या करूं, मैं ऐसे लोगों के साथ बैठता था जो मुझे हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हुमा को बुरा कहने की तलकीन करते थे, मुझसे कहते थे इनको बुरा कहो, माजल्ला इनको गालियां दो, मैं ऐसे लोगों के साथ बैठता था, शायद यही वजह है कि मेरी जुबान से कलमा नहीं निकल रहा। याद रखो मुसलमानों, ये तो साहबे किराम के गुस्ताखों के साथ, उनके दोस्तों के साथ जो गुस्ताख हैं साहबे किराम के, उनके साथ बैठने का बवाल है। ईमान से कह दो, जो प्यारे मुस्तफा के दुश्मनों के साथ बैठे उनसे दोस्ती करे, उनसे कुर्बत रखे, क्या वक्ते आखिर उसको कलमा नसीब हो जाएगा? कभी भी उसको कलमा नसीब नहीं होगा। इसी तरह इमाम आमश फरमाते हैं कि एक शख्स ने सैयदना इमाम बाकर सादिक रदी अल्लाह तआला अन्हु, जो खानदान अहले बैत के चमकते हुए सितारे, उनकी मजार शरीफ पर पेशाब कर दिया। इमाम आमश फरमाते हैं जिंदगी भर वो गधे की आवाज निकालता रहा, जब मर गया उसे कब्र में दफन किया गया, फरमाते एक अरसे तक उसके कब्र से गधे की आवाज आती थी। ये वबाल अल्लाह के वलियों और महबूबों के साथ नफरत करने का। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं एक शख्स को दफनाया गया, कब्र में रखा गया, चेहरा उसका काबे शरीफ की तरफ किया गया। यह भी बड़ी अहम बात है, हम लोग दफना कर तो आ जाते हैं लेकिन याद रखो कि जो गुस्ताख होते हैं अल्लाह इनके चेहरे काबे की सिम से फेर देता है। यह बात बड़ी अहमियत की हामिल है, इसलिए अपने ईमान की हिफाजत करने की कोशिश करो, ऐसे लोगों से दोस्ती वास्ता राबता बिल्कुल इनसे अलीहदगी इख्तियार कर लो। इमाम हजरत गरीब नवाज फरमाते हैं चेहरा उसका काबे की तरफ किया गया, फिर घूम गया, फिर किया गया, फिर घूम गया, कोई आवाज देने वाले ने यह आवाज दी, बिला वजह के मेहनत ना करो, इसका चेहरा कभी भी काबे शरीफ की तरफ नहीं हो सकता क्योंकि ये दुनिया में अल्लाह के महबूबों से नफरत किया करता था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके चेहरे को काबे शरीफ से फेर दिया, अल्लाह अकबर। तो ये बदमजहबियत, लादीनियत, ये कुफ्र और शिर्क इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ी बीमारी है। दूसरा ताल्लुक मैं आपको बताऊं कि गुज़िश्ता आयतों में ये फरमाया गया कुफार मुशरिकीन और बदमजहबों की मोहब्बत से मना किया गया, काफिरों से मोहब्बत नहीं करनी, मुशरिकों से मोहब्बत नहीं करनी, बदमजहबों से मोहब्बत नहीं करनी, बिल्कुल अलहदा हो जाओ, किनारा कशी इख्तियार कर लो। अब उस दौर को आप देखें तो ईमान वालों के लिए अल्लाह ताला के इस हुकुम पर अमल करना बहुत मुश्किल था, एक ही घर में पैदा हुए थे, एक ही घर में बड़े हुए थे, एक ही जमीन और एक ही आसमान उन्होंने देखा था, कहीं पर वालिद मुसलमान तो बेटा काफिर, कहीं पर बेटा काफिर तो वालिद मुसलमान, कहीं पर दोनों काफिर तो वालदा मुसलमान, कहीं पर आप देखें तो बहन मुसलमान, एक ही घर में पैदा हुए, एक ही मां से पैदा हुए, बड़े हुए, इस्लाम आ गया, किसी ने इस्लाम को कबूल किया, किसी ने कबूल नहीं किया। अब ये हुक्म पर अमल करना बहुत मुश्किल था, काफिरों से अलग हो जाओ, मुशरिकों से अलग हो जाओ। तो अब मुसलमानों के कुलूब में ये बात थी कि इनके साथ तो हम बड़े हुए, जवान हुए, अब इनकी मोहब्बत हमारे दिलों से निकलेगी कैसे? रब ने फरमाया तरीका मैं बताता हूं, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबियूनी, इधर मेरे महबूब की मोहब्बत दिल में ले आओ,
जैसे ही मेरे महबूब की मोहब्बत दिल में आएगी, मेरे महबूब की मोहब्बत की यह खूबी है कि फौरन बदमजूबों की मोहब्बत दिल से निकल जाएगी। तुम लाओ तो सही मेरे महबूब की मोहब्बत के दिए अपने कुलूब में रोशन तो करो, जैसे ही इनकी मोहब्बत दिल में आएगी इनकी मोहब्बत निकल जाएगी। मुझे बताओ तो सही, वहाबियों ने हमारा क्या बिगाड़ा? हमारे वालिद के प्लाट पे कब्जा कर लिया? नजदियों खटमलों ने क्या बिगाड़ा हमारा? क्या कब्जा कर लिया? नहीं, प्यारे मुस्तफा के दुश्मन हैं इसलिए हम अपना दुश्मन समझते। हम किसी सूरत में ऐसे गुस्ताखों से जो हुजूर की शान में साहबा की शान में वाजे तौर पे गुस्ताखी करते हो, चाहे हमारा सगई क्यों ना हो, खुदा की कसम वो हमारा नहीं है, हमारा कोई ताल्लुक हमारा कोई वास्ता नहीं है। तो ये जो नफरत उनके लिए हमारे दिलों में मौजूद है, ये इस बात की दलील है कि हमारे दिलों में मुस्तफा की मोहब्बत मौजूद है। अगर प्यारे मुस्तफा की मोहब्बत सही मानों में कुलूब में नहीं होती, खुदा की कसम हम भी उनका हाथ थामे होते। बहुत सारे सुन्नी आप देखते हैं हाथ पकड़े हुए उठाते हुए यकजहती का मुजाहरा कर रहे हैं, साहब हम सब एक हैं हम सब साथ हैं। नहीं, ये हाथ सुन्नी का गुस्ताख के रसूल के हाथ में जा नहीं सकता, गुस्ताख के सहाबास की मोहब्बत इस दिल में कभी आ नहीं सकती। तो फरमाया मेरे महबूब की मोहब्बत दिल में लेकर के आओ। महबूब की मोहब्बत जब दिल में आ जाएगी तो खुद ब खुद इनकी मोहब्बतें दिल से निकल जाएंगी। अल्लाहू अकबर। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को इस चीज का हुक्म इरशाद फरमाया। और वाकईतन आप देखें पूरी तारीख का मुताला करें इस्लामी के, मुसलमानों के कुलूब में जब हुजूर की मोहब्बत आई, सही मानों में वाकईतन सबकी मोहब्बत दिल से निकल गई। हजरत फारूक आजम तो हुजूर को कत्ल करना चाहते थे ना, लेकिन जब हुजूर की मोहब्बत दिल में आई, अब जैसी मोहब्बत दिल में आई अब सबकी मोहब्बत दिल से निकल गई। अल्लाहू अकबर। तो फरमाया गया कि हुजूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत तुम अपने कुलूब के अंदर पैदा कर लो। अलैदगी का हुक्म दिया गया, इधर हुजूर से मोहब्बत का हुक्म दिया गया। तीसरा ताल्लुक पिछली आयतों में फरमाया गया कि बरोज कयामत सबके आमाल सामने आ जाएंगे, जो कुछ हमने किया। अभी तो नहा धोकर पगड़ी बांधकर बड़े मुत्तकी परहेज़गार बनकर हम सब बैठे हैं ना, लेकिन हम खुद जानते हैं हमारी घरेलू जिंदगी क्या है और बाहर की जिंदगी क्या है, क्या गुनाह घर में करते हैं, बाहर कितने नेक बनते हैं, हम सब जानते हैं। ये सारी चीजें रोज कयामत सामने आ जाएंगी, जिस जिसने जो जो गुनाह किए होंगे वो सामने आ जाएगा। और अगर आप कुछ भी नहीं कहेंगे, ये जुबान बोलेगी मौला मुझी से झूठ बोलता था, ये हाथ बोलेंगे मौला मुझी से रिश्वत लेता था, मुझी से शराब की बोतल पकड़ता था, ये पांव बोलेंगे मौला मुझी से चलकर जिना के अड्डों की तरफ जाता था। अगर आप खामोश हो जाएंगे ये सारी चीजें बोलेंगी। मुझे बताओ तो सही कि मैदान कयामत में कितनी रुसवाई होगी, है किस कदर रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। मेरी और आपकी तो कोई हैसियत नहीं, वो गौसे पाक के जिन्होंने ईशा के वजू से फजर की नमाज सालों तक पढ़ी हो, हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं ऐ अल्लाह, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं ऐ अल्लाह, अगर अब्दुल कादिर सजा का मुस्तहिक हो ना तो अब्दुल कादिर को रोज कयामत नाबीना करके उठानी, ताकि लोगों के सामने शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़े। किसी ने हजरत बायजीद बुस्तामी से पूछा, बायजीद ये बताओ आपकी दाढ़ी अच्छी है या मेरे बैल की धूम अच्छी है? कहने लगे अगर नजात हो गई तो मेरी दाढ़ी अच्छी है। किसी ने बायजीद बुस्तामी के सर पर कचरा फेंक दिया, फौरन सर सजदे में रख दिया, अय अल्लाह ये जिस्म तो आग बरसाने के काबिल है, तेरी बड़ी मेहरबानी है कि खाक बरसाई जा रही है। देखा आपने अल्लाह तबारक व तआला का कितना खौफ, इतनी इबादतें और रियाजतें करने के बाद वो अल्लाह से कितना डरते हैं। और आज हम सब के सब बेखौफ हो गए, कोई खौफ ही नहीं, इतना भी जर्रा बराबर भी हमारे वजूद के अंदर अल्लाह का खौफ नहीं है। लेकिन याद रखो कि जब अल्लाह की पकड़ होगी फिर उस वक्त हम सबको पता चलेगा कि अल्लाह का अजाब कितना शदीद होता है। तो गुज़िश्ता आयतों में फरमाया गया कि बरोज़े क़यामत सबके आमाल सामने आ जाएंगे,
जो कुछ तुमने किया होगा, जाहिर में बातिन में खुले आम छुप के जो कुछ किया होगा सब कुछ सामने आ जाएगा। बड़ी रुसवाई और जिल्लत का सामना करना पड़ेगा। अब फरमाया गया फत्तबियूनी, रब फरमा रहा है कि जिस तरह मैंने दुनिया में तुम्हारे ऐबों पर पर्दे रखे, अगर चाहते हो कि रोज़े कयामत भी तुम्हारे ऐबों पे पर्दे रख दूं, मेरे महबूब की मोहब्बत दिल में ले आ। फत्तबियूनी, मेरे महबूब की मोहब्बत जब दिल में आ जाएगी तो जिस तरह दुनिया में तुम्हारे ऐबों को छुपाए रखा, रोज़े कयामत भी छुपा दूंगा। मेरे महबूब की मोहब्बत के दिए अपने कुलूब में रोशन करो। चौथा ताल्लुक, पिछली आयतों में फरमाया गया, पिछली आयत में फरमाया गया वल्लाह रऊफुम बिल इबाद, अल्लाह ताला अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है। अब सवाल यह है कि यहां तो सब कहते हैं हम अल्लाह के बंदे हैं, यहां तो क्रिश्चियन भी कहते हैं कि अल्लाह के बंदे हैं, यहूदी भी कहते हैं अल्लाह के बंदे हैं, हिंदू भी कहते हैं अल्लाह के बंदे हैं, सिख भी कहते हैं अल्लाह के बंदे हैं, बुद्धिस्ट भी कहते हैं अल्लाह के बंदे हैं, यहां तो मुनाफिकीन भी कह रहे हैं कि अल्लाह के बंदे हैं। वल्लाह रऊफ मिली बात, अल्लाह अपने बंदों पर बहुत ज्यादा मेहरबान है, तो किन बंदों पर मेहरबान है? सवाल यह है किन बंदों पर मेहरबान है? फरमाया फत्तबियूनी, उन्हीं बंदों पर मेहरबान है जिनके दिलों में मुस्तफा की मोहब्बत है। सारी गुफ्तगू को सिमेंट के एक सेकंड में यूं बयान कर दूं, अल्लाह सुन्नियों पर मेहरबान है, अल्लाह हम या रसूल अल्लाह कहने वालों पर मेहरबान है। खुदा की कसम, किसी को यकीन आए या ना आए, मेरा ईमान और मेरा अकीदा और नजरिया यह है, अल्लाह हम सुन्नियों पर बहुत मेहरबान है। हमको मिटाने वाले, खुद कुछ धमाकों से निशाना बनाने वाले, हमें हमारे मीलाद को बम धमाकों से उड़ाने वाले, आज देखो किस तरह कुत्तों की तरीके से भागते फिर रहे और पाक फौज किस तरह से उनका पीछा कर रही है। इंशाअल्लाह हमारी तो दुआ है कि अल्लाह पाक फौज को कामयाबी अता फरमाए, हमारी मुल्की एजेंसीज को अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए। तो सुन्नियों को मिटाने वाले, मिलाद मुस्तफा की रौनक खत्म करने वाले, खुदा की कसम खत्म हो जाएंगे, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। अरे बड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, हुजूर का मीलाद कभी खत्म होने वाला नहीं, ये रोशनी कभी खत्म होने वाली नहीं, ये सिलसिला प्यार और मोहब्बत का इंशाअल्लाह तबारक व तआला कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। आइए इस आयत मुकद्दसा के शान नुज़ूल की तरफ हम आते हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि एक रोज हुजूर करीम अलैहिस्सलाम जमात कुरैश के करीब से गुजरे। मुलाहिजा फरमाया कि जो बुत उन्होंने खाने काबा में नस किए हुए थे वो उन बुतों को सजा रहे थे, उन्हें सजदे कर रहे थे। ये मंजर देखकर हुजूर ने फरमाया, ऐ वो लोग, ऐ गिरो, तुम लोग अपने आबा हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल के दीन के खिलाफ हो गए हो, ये क्या काम कर रहे हो? तो कुरैश ने कहा, ऐ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इन बुतों को अल्लाह की मोहब्बत में पूछते हैं ताकि ये बुत हमें अल्लाह से करीब कर दें। रब ने फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबियूनी युहिब्बुकुम अल्लाह, बुतों के करीब हो गए कभी भी अल्लाह के करीब नहीं हो सकते। हाँ, अल्लाह के करीब होना चाहते हो तो मेरे महबूब के करीब हो जाओ, मेरे महबूब के करीब हो जाओगे तो तुम मेरे करीब हो जाओगे, यानी मेरी मार्फत तुमको हासिल हो जाएगी। बाद मुफस्सरीन फरमाते हैं कि एक रोज हुजूर करीम अलैहिस्सलाम, हुजूर ने काब बिन अशरफ और उसके मानने वालों को दावत ईमान दी, ईमान ले आओ, ये बुत परस्ती और ये सारे काम छोड़ दो। तो वो कहने लगे, ऐ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, हम तो अल्लाह के प्यारे हैं, हमें माज अल्लाह आपकी कोई जरूरत नहीं, हम अल्लाह के प्यारे हैं। अल्लाह ने इस मौके पर यह आयत मुकद्दसा नाजिल फरमाई, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबियूनी, गोया फरमाया, महबूब कोई कितने ही नारे लगाए कि मैं अल्लाह का प्यारा हूं, हम अल्लाह के प्यारे हैं, वो अल्लाह के प्यारे उस वक्त तक नहीं बन सकते जब तक तेरे प्यारे ना हो जाए।
फत्तबियूनी, मेरे महबूब से मोहब्बत करो। बास मुफस्सरीन फरमाते हैं कि जब नजरान के ईसाई हुजूर के पास आए और मुनाजरे में शिकस्त खा गए तो अब वो कहने लगे कि आए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, हम ईसा अलैहि सलाम को माद अल्लाह अल्लाह का बेटा इसलिए कहते हैं कि ताकि हमें अल्लाह की मोहब्बत हासिल हो जाए। इस मौके पर आयत मुकद्दस नाज़िल हुई, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबियूनी, महबूब इनसे कह दे ईसा को मेरा बेटा कहने से मेरी मोहब्बत हासिल नहीं होगी, ऐ प्यारे तुझको चाहने से मेरी मोहब्बत हासिल होगी, तेरी फरमा बरदारी करने से मुझको मोहब्बत हासिल होगी। तो इस मौके पर यह आयत मुकद्दस नाज़िल हुई। अब सुनिए, थोड़ा वक्त है, ये जो फरमाया गया कुल, इस कुल पर अहले इल्म ने बड़ी तफसील के साथ गुफ्तगू की है, मैं सिर्फ कुछ झलकियां आपको बताता हूं वरना बहुत वक्त चाहिए। मुफस्सरीन फरमाते हैं कि कभी लफ्ज़े कुल, अब ये बहुत अहम बातें कर रहा हूं मैं, इसको दिमाग में रखना, सारी तवज्जो रखना, कभी लफ्ज़े कुल वहां पर इस्तेमाल होता है कि जहां पर वो बात सिर्फ हुजूर ही फरमा सकते हैं, किसी और को इख्तियार नहीं वो बात कहने का। जैसे कुल इन नमाना बशरुम मिसलुकुम, हुजूर ने फरमाया आए लोगों सुनो, मैं जाहिरी तौर पर सूरत बशरी में तुम्हारी तरह, हुजूर फरमा सकते हैं हम में अगर कोई शख्स ये कहे कि हुजूर हमारी तरह इंसान, हमारी तरह बशर है, तो याद रखो कि वो मुजरिम कहलाएगा। कभी लफ्ज कुल वहां पर इस्तेमाल होता है कि जहां पर वो बात सिर्फ हुजूर ही फरमा सकते हैं, ठीक है, समझ गए आप। दूसरी बात, कभी लफ्ज कुल दूसरों से कहलवाने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कुल हु अल्लाह वहद, हबीब इनसे कह दे कि अल्लाह एक है, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये दूसरों से कहलवाने के लिए इस्तेमाल हुआ। अब मुफस्सरीन फरमाते हैं कि यहां पर जो लफ्ज कुल इस्तेमाल हुआ ये पहली किस्म का है कि हुजूर ही फरमा सकते हैं, फत्तबियूनी, मेरी इत्तेबा करो, और कोई नहीं कह सकता कि मेरी इत्तेबा करो, सिर्फ हुजूर ही फरमा सकते हैं। कराची का टांगा, कराची का रक्षा, कराची की टैक्सी बंदे को एयरपोर्ट तक तो पहुंचा सकता है, मक्की और मदीना नहीं पहुंचा सकता। रक्षे टैक्सी टांगे का काम एयरपोर्ट तक पहुंचाना, एरोप्लेन का काम बंदे को मक्की और मदीने पहुंचाना, पीरों का काम, मौलवियों का काम, उलमा का काम बंदे को हुजूर तक पहुंचाना, सिर्फ हुजूर की खूबी है कि बंदे को खुदा तक पहुंचा देते। फत्तबियूनी, सिर्फ हुजूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही ये बात इरशाद फरमा सकते हैं। अब बहुत अहम बात है और बहुत बारीक बात है, मजमे में बयान करने वाली नहीं है, आम मजमे में लोगों का दिमाग दूसरी तरफ चला जाता है, लेकिन आप हर जुमे पाबंदी से आते हैं इसलिए यह बात कर रहा हूं मैं। अहले इल्म फरमाते हैं कि यह बात जहन में रखो कि हुजूर के हर अमल, हर हुक्म की इत्तेबा बहुत जरूरी है, हम पर लाजिम है, हम हुजूर के हर अमल और हुजूर के हर हुक्म की इत्तेबा करें। अब एक जुमला लिखा, शायद आप चौंक जाएंगे इसलिए मैं बयान नहीं कर रहा था, लेकिन सुनो, समझो जरा इसको। कहते हैं कि हुजूर के हर अमल, हर हुक्म की इत्तेबा हम पर जरूरी है, अगरचे वो हुक्म जाहिरी तौर पर कुरान के खिलाफ ही क्यों ना हो। कुरान ये हुक्म दे रहा है, हुजूर ये बात इरशाद फरमा रहे, हमें हुजूर के हर हुक्म, हर अमल की इत्तेबा जरूरी हो। देखो मैं आपको बताता हूं, अब ये बात आपकी समझ में आ गई, अगरचे वो हुक्म बजाहिर कुरान के खिलाफ ही क्यों ना हो। लोगों के जहन में सवाल पैदा हूं, क्या हुजूर भी कुरान के खिलाफ हुक्म दे सकते हैं? जरा इसको समझो। एक मौलवी साहब का क्लिप मैं देख रहा था, वीडियो सोशल मीडिया पर, लाल मस्जिद के मौलवी अब्दुल अजीज, पीछे मोटी मोटी किताबें रखी हुई, एक टेलीविजन इंटरव्यू में भी गालिबन जियो पर उन्होंने कहा कि हुजूर भी कानून नहीं बना सकते,
हुजूर को इख्तियार नहीं कानून बनाने का। बहुत से लोग बैठे होंगे जिन्होंने वो वीडियो क्लिप देखा होगा, मौलवी साहब तुम्हारी सारी जिंदगी उम्मे हसन के बुरखे सीने में गुजर गई, वही तो बुरखा पहन के तुम लाल मस्जिद से भागे थे, वो पीछे लगी हुई मोटी मोटी किताबें तुम पढ़ तो लेते, आओ मुझको दावत दो मैं आता हूं। जिन किताबों को तुमने पीछे लगा करके वीडियो क्लिप डाला उन्हीं किताबों से निकाल के मैं तुम्हें बताऊंगा कि हुजूर कानून बना सकते हैं या नहीं बना सकते। तुमने झक मारा पूरी जिंदगी, पूरी जिंदगी असला रखते रहे मस्जिदों के अंदर, मस्जिद और मदारिस में कलाशनकोव को बारूद का क्या काम है? मस्जिद और मदारिस में तो कुरान होने चाहिए ना, अहदीस की किताबें होने चाहिए, दहशतगर्दों का क्या काम मस्जिदों के अंदर और मदारिस के अंदर? अब वही असला तुम्हारे गले का हार बन जाएगा इंशाअल्लाह ताला, तुम देखना। अब सारी दुनिया समझ गई, पहले जब लाल मस्जिद पे अटैक हुआ जामे हफ्सा पे तो सोशल मीडिया और ये सारे लोग सोशल सोसाइटी के लोग सब शोर मचा रहे थे, अब सबने देख लिया। जब बच्चों को मौत की नींद सुलाया गया पेशावर में, सबने देख लिया दहशतगर्दों के साथ कौन कौन लोग हैं, कौन कौन मौलवी शामिल है। तो मौलवी अब्दुल अजीज ने कहा कि हुजूर को भी इख्तियार नहीं कि हुजूर कानून बना सके। और फिर मीडिया भी उल्लू का पट्टा है, जब ऐसे लोगों को बुलाता है तो मुकाबले में हमको क्यों नहीं बुलाता? कभी बिठाओ तो सही, तुम्हें पता चले कि रजा के शेरों का हाल क्या होता है, मुकाम और मर्तबा क्या होता है, तुम्हें पता तो चले, बिठाओ तो सही। आओ तुम कहते हो कि हुजूर कानून नहीं बना सकते, मैं तुम्हें बता रहा हूं, वो चीज समझा रहा हूं कि हुजूर के हर हुक्म हर फेल की इत्तेबा जरूरी है, अगरचे वो हुक्म जाहिरी तौर पर कुरान के खिलाफ ही क्यों ना हो। देखो कुरान मजीद व फुरकान हमीद ने कहा व अशहिदू ज़वै अदलिम मिनकुम, तुम में से दो आदिल गवाह गवाही देंगे, निकाह में दो गवाह, दूसरे कवानीन के अंदर दो गवाह, मैं आपके सामने मौजूद हूं मेरी गवाही एक, मेरे वालिद की गवाही एक, ऊपर की तरफ चले जाओ मेरे नाना की गवाही भी एक, आप जितने बैठे हैं सबकी गवाही एक है या नहीं? आपके नहीं मेरी अकेली की गवाही दो के बराबर है, कोई मानेगा? कहेगा पागल हो गए हो, एक की गवाही, एक बंदा गवाही देगा एक कहलाएगी, दो गवाही देंगे दो कहलाएगी, ठीक है? आओ हुजूर कानून बना सकते हैं या नहीं मैं तुम्हें दिखाता हूं। हुजूर करीम अलैहिस्सलाम ने एक शख्स के जिसका नाम सवा बिन हारिस था, हुजूर ने उससे घोड़ा खरीदा, इत्तेफाक की बात कि कोई विटनेस कोई गवाह मौजूद नहीं था, हुजूर ने फरमाया कितने का? क्या इतने का? सौदा हो गया, हुजूर ने रकम दी, घोड़ा ले आए, सुबह सुबह वो आ गया, घोड़ा खोल के ले जाने लगा, एक दो सहाबा किराम ने देख लिया, ये क्या करने लगे हो? कहा ये मेरा घोड़ा है, भाग करके यहां पर आ गया, किसी ने यहां बांध लिया। दो तीन सहाबा किराम, तुम झूठ बोलते हो, सरकार कल ये घोड़ा खरीद के लाए और हमें बताया कि मैंने ये घोड़ा खरीदा है। वो कहने लगा अच्छा खरीदा है तुम्हारे नबी ने, तो गवाह पेश कर दो। अब एक हुजूम लग गया, सारे सहाबा किराम जमा हो गए, सरकार को पता चला, सरकार करीम अलैहिस्सलाम भी तशरीफ लिया, सरकार ने फरमाया सवा बिन हारिस क्यों कर रहा है ऐसी बात, कल तूने मुझसे रकम ली है और तूने मेरे हाथ घोड़ा बेचा है। वो कहने लगा अगर गवाह है तो पेश कर दे, कोई गवाही दे देगा, मैं बस ये घोड़ा आपको दे के चला जाऊं। अब एक हुजूम है, हजरत सैयदना खुज़ैमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मेरे मां बाप उन पे कुर्बान, रास्ते से गुजर रहे देखा हुजूम लगा हुआ, एक दो साहब इकराम से पूछा क्या बात? का ये बात है, आगे आ गए, मजमे को हटाते हुए हुजूर के करीब आए, या रसूल अल्लाह क्या मामला है? फरमाया खुज़ैमा कल इतनी रकम में मैंने इससे घोड़ा खरीदा और ये कहता है कि कोई गवाह हो तो पेश करो। अर्ज की मेरे आका बस गवाही देनी है, इस गवाही दे दी है ना सौदे की। सरकार ने फरमाया हां, खुज़ैमा ने कहा सुन सवा बिन हारिस, कल तूने मेरे आका को घोड़ा बेचा है, मेरे आका ने तुझसे घोड़ा खरीदा, मामला खत्म हो गया, वो चले गया सवा बिन हारिस। हुजूर ने खुज़ैमा का हाथ पकड़ा, इधर आओ खुज़ैमा, कल तो तुम उस तिजारत के वक्त गोया उस डील के वक्त उस खरीदारी के वक्त तो तुम मौजूद नहीं थे,
तुमने बगैर देखे ये गवाही कैसे दे दी कि तुमने सरकार को घोड़ा बेचा, सरकार ने खरीदा, ये गवाही कैसे दी? तुम तो मौजूद नहीं थे। ईमान हो तो ऐसा, अपनी जुबान को सुबान अल्लाह से तर रखना। सुन लो, पहले खुज़ैमा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह मैंने दोज़ख को नहीं देखा। आपने कहा दोज़ख है, ईमान लाया। मैंने उसके आज़ाबात को नहीं देखा। आपने कहा आज़ाब होता है, ईमान लाया। मैंने जन्नत को नहीं देखा। आपने कहा जन्नत खूबसूरत है, ईमान लाया। हूरों फरिश्तों को नहीं देखा। आपने कहा हूरे फरिश्ते हैं, ईमान लाया। और मैंने तो या रसूल अल्लाह खुदा को भी नहीं देखा। आपने कहा खुदा एक है, मैं ईमान लाया। तो जब आपकी जुबान से सुनकर मैं खुदा वहदहू ला शरीक की गवाही दे सकता हूं, तो मैं आपकी जुबान से सुन के उस तिजारत की गवाही ना दूं? अल्लाह हू अकबर, ये बड़ी शानदार बात। या रसूल अल्लाह बड़ी शानदार बात खुज़ैमा ने की, जब बगैर देखे आपकी जुबान नाज से सुनकर खुदा वहदहू ला शरीक की गवाही दे सकता हूं, तो आपकी जुबान से सुन के ये घोड़े की गवाही ना दूं? अब हुजूर बहुत खुश हुए। मेरे आका जब खुश होते ना, चेहरा चमकता, सामने की दीवारें रोशन हो जाती। अब हुजूर को देखो, वो बेवकूफ जो ये कहता है कि हुजूर कानून नहीं बना सकते, अब सीखो। हुजूर ने फरमाया, गुलामों सुनो, आज के बाद खुज़ैमा किसी की हिमायत में या किसी की मुखालिफत में जब गवाही देगा, इसकी एक गवाही आज से दो मर्दों के बराबर है। तुम कहते हो हुजूर कानून नहीं बना सकते? अरे मेरे आला हजरत फरमाते, हुक्म नाफिज है तेरा, खामा तेरा, सैफ तेरी, दम में जो चाहे करे, दौर है शाह तेरा। एक शख्स हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ, या रसूल अल्लाह इस्लाम कबूल करूंगा, शर्त है कि दो वक्त की नमाज पढ़ूंगा, तीन वक्त की नहीं पढ़ूंगा। फरमाया, जा, हमने तेरा इस्लाम कबूल कर लिया। तुम कहते हो हुजूर कानून नहीं बना सकते? आओ सुनो, एक दो बातें और सुनो, थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन सुन लो ये बातें। कुरान ने इजाजत दी, फन की हुमा ताब लकुम मिनन निसाई मथना वसुला सवरुबा, हम जितने मर्द हैं इजाजत दी चार शादियों की, ठीक है, सारे के सारे चार शादी कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद अदल की कैद भी लगाई, अगर अदल कर सको तो। लेकिन वाज़े तौर पर इजाजत दी कुरान ने चार शादियों की, मुझे भी इजाजत, आपको भी इजाजत, सबको इजाजत। अब आओ जरा सुनो, हजरत अली करम अल्लाह वजुल करीम, हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा, हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्ना की मौजूदगी में दूसरा निकाह करना चाहते थे, दूसरी शादी करना चाहते थे। सरकार करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं दूसरी शादी करना चाहता हूं, मैं दूसरा निकाह करना चाहता हूं। कुरान का हुक्म है वाजे, चार बीवियों की इजाजत दी कुरान ने, वाजे हुक्म है। सरकार करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अली अगर तुमको शादी करनी है दूसरी, मेरी बेटी फातिमा को तलाक देना होगी। मैं और आप दूसरी शादी करना चाहें, तलाक देने की कोई जरूरत नहीं। सरकार ने फरमाया, अगर शादी करना चाहते हो दूसरी, फातिमा को तलाक देनी होगी, फिर तुम दूसरा निकाह कर सकते हो। अल्लाह अकबर, अहले इल्म फरमाते, देखो हुजूर का इख्तियार, कुरान ने वाज़े तौर पे फरमाया चार शादियों की इजाजत है, सरकार ने अली को मना फरमा दिया। जब तक मेरी बेटी फातिमा तुम्हारे निकाह में है, तुम दूसरी शादी नहीं कर सकते फातिमा की मौजूदगी में, जब तक फातिमा हयात है, हुजूर ने मना फरमा दिया। साहिब मिरकात फरमाते, इससे यह मालूम हुआ कि अगर किसी जायज और फर्ज काम से हुजूर नाराज होते हो, या हुजूर को तकलीफ होती हो, या ईजा पहुंचे, तो वो जायज और फर्ज काम भी नाजायज हो जाता है। जायज काम है चार शादियां करना, लेकिन हुजूर को तकलीफ हो रही थी, हुजूर ने मना फरमा दिया। देखो हजरत अली के लिए वो काम जो है वो नाजायज हो गया। साहिब मिरकात फरमाते, ये खुसूसियत सिर्फ अल्लाह के हबीब प्यारे मुस्तफा की। देखा आपने, हुजूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कैसा कानून जो है वो लोगों के सामने रखा। अल्लाहू अकबर, क्या शान है। रेशमी लिबास मर्दों का इस्तेमाल करना हराम, एक हाथ में रेशम लिए एक हाथ में सोना लिया, सरकार ने फरमाया दोनों चीजें
मेरी उम्मत के मर्दों पर हराम। हजरत बर्रा को हुजूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सोने की अंगूठी पहनने की इजाजत दी, तुम पहन सकते हो। हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ और हजरत जुबैर को खारिश के वक्त रेशमी लिबास पहनने की हुजूर ने इजाजत दी। फिक का यह मसला है कि किसी शख्स की अहलिया का इंतकाल हो जाए तो बाद वफात शौहर अपनी बीवी को गुस्ल नहीं दे सकता, क्योंकि औरत वफात के बाद निकाह से निकल गई, निकाह टूट जाता है। लेकिन सरकार ने अपनी हयात तैयबा में हजरत अली को इजाजत दी, ऐ अली अगर आपकी मौजूदगी में फातिमा का इंतकाल हो जाए मैं आपको इजाजत देता हूं, आप फातिमा को गुस्ल दे सकते। ये हुजूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कानून बनाया। अल्लाहु अकबर, तो देखा आपने हर हाल में हमें हुजूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तेबा और हुजूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फरमा बरदारी करना ये जरूरी है। आखिरी बात सुन लो, मुफस्सरीन फरमाते हैं फत्तबिउनी, इसका माना है पीछे पीछे चलना, इस तरह चलना कि अगले के कदम पे कदम रख के चलना। रास्ते के गार और रास्ते के खार का जिम्मेदार अगला होगा, आप उनके पीछे कदम रख के चले। तो मौला करीम ने इरशाद फरमाया फत्तबिउनी, अगर कामयाब होना चाहते हो भाई समझ के महबूब के दाएं तरफ ना जाना, अपने जैसा बशर समझकर आगे चलने की कोशिश ना करना। फत्तबिउनी, हर वक्त अपने आप को महबूब का गुलाम समझना, महबूब का गुलाम। और गुलाम का तरीका यह होता है कि सरदार आगे आगे, आका आगे आगे, गुलाम पीछे पीछे। तुम्हें बस इसी तरीके से चलना है इंशाअल्लाह ताला। महबूब के कदमों पे नुकूश कदम पर हम चलेंगे, अल्लाह तबारक व ताला के कर्म से इंशाअल्लाह ताला जन्नत तक हम पहुंच जाएंगे। और इसको भी आप देखें, कभी आपने देखा रेलगाड़ी को? जरा देखे तो सही रेलगाड़ी को, रेल का इंजन खड़ा है, आगे जितने रेल के इंजन के आगे होते हैं डब्बे हटा दिए जाते हैं, कोई डब्बा एसी लगा हुआ, बेहतरीन बेड लगा हुआ, मगर उसकी कड़ी इंजन से नहीं लगी हुई, कनेक्ट नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है, क्या कोई उस डब्बे में बैठेगा, उसका टिकट देगा, पैसे देगा? नहीं। डब्बा अगर थर्ड क्लास का है, सेकेंड क्लास का है, लेकिन इंजन से कनेक्ट है, लोग उसका पैसे भी देते हैं। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, दूर हो, दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। हजरात आप सुन रहे हैं रजवी नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक वेबसाइट, यहाँ सिर्फ मसलके आला हजरत और हुजूर ताजु शरिया को मानने वाले उलमाए किराम व शोरा इस्लाम की नाते पाक और अकायद को संवारने वाली तकारीर अपलोड की जाती है। ख्याल रहे कि यहाँ पर किसी भी जानदार की तस्वीर और वीडियो अपलोड नहीं की जाती। आप हजरात अपने यहाँ के कॉन्फ्रेंस जलसे की रिकॉर्डिंग यहाँ अपलोड करवा सकते हैं। अपलोड करवाने के लिए इनसे रब्ता करें, अलहाज शेख सज्जाद हुसैन रजवी, व्हाट्सएप नंबर 7878574416।